यूनिसेफ की यूपी हेड रूथ लियोनी ने सोमवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किए जा रहे सैंपलिंग के संबंध में चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एसआई डॉक्टर एपी श्रीवास्तव सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूनिसेफ की यूपी हेड रूथ लियोनी ने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों की जांच में कोई लापरवाही न बरता जाए, जितने भी सैंपल आए उनकी जांच प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। कोरोना की जांच में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। कॉन्टेक्ट आराम से हो जाते हैं, तो मैं जो ये सैंपल्स जो लेने हैं आप, वो किस किस के लेने हैं? आपके पास सैंपल के लिए लोगों के सिलेक्शन का पूल क्या है? एक तो जितने भी माइग्रेंट्स आपके पास आ रहे हैं, अगर माइग्रेंट्स में ILI है और उनको उनकी उनके कोई कोमॉर्बिड कंडीशन भी है, 60 ईयर से ज्यादा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ऐसे लोगों में मॉर्टेलिटी बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिली है जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। अगर कोई हाई रिस्क माइग्रेंट तीसरी कैटेगरी है वो आपके पास जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स का जो एक जो फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, वो डेटा हम बैकएंड से अपलोड कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग सिम्टोमेटिक भी हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास डेटा का सोर्स है वो है जो हमारा आरोग्य सेतु का जो डेटा आ रहा है, वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आशा वर्कर सबसे तो 400-500 लोगों के सैंपल 75 दिनों में लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक अकेले जिले सिद्धार्थ नगर में 150 सैंपल रिजेक्ट कर दिए। हमें तो सैंपल्स